मॉर्निंग गाइस, आई एम मोमता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है 10 फरवरी, मींस आज है सैटरडे, तो अभी 12 बज गया है। मैंने अब से ब्लॉग स्टार्ट किया है और आज है टेडी बियर डे। सो हैप्पी टेडी बियर डे टू ऑल ऑफ यू। और किस किस को टेडी मिला है आज, प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा। और मुझे अभी जाना है लंच बनाने के लिए, सो चलिए चलते हैं किचन में। और मैं सबसे पहले बनाऊंगी दाल, मुझे आज बनाना है चना दाल। सो मैंने इसे 10-15 मिनट पहले भिगो के रख दिया था, तो मैं अभी इसे प्रेशर कुक करने वाली हूँ। और गाइस, एक्चुअली आज थोड़ी सी हवा चल रही है और मेरी किचन में एक बड़ा सा विंडो है, तो उस विंडो से बहुत तेज़ हवा आ रही है, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी ठंड भी लग रही थी, तो मैंने एक स्टोल पहन के रखा है। और गाइस, दाल के साथ मैं बना रही हूँ धोखा डालना। सो आई एम गोना यूज़ दिस रेडीमेड धोखा। और इसके लिए मैंने बैटर को ऑलरेडी ल्यूकवॉर्म वाटर में भिगो के रखा है। सो मुझे धोखा डालना पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ओके, सो आज का लंच फुल बंगाली लंच है और मेरी दाल भी बॉयल हो गया है, तो मैं अभी दाल की तड़का लगाती हूँ। और गाइस, चने की दाल अगर आप नारियल के साथ बनाते हो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नारियल नहीं है, सो मैं नारियल के बिना ही बनाऊँगी। चने की दाल आप पूरी के साथ खा सकते हो, आप चावल के साथ खा सकते हो, रोटी के साथ खा सकते हो। सो मैं तो दोपहर को चावल ही बनाती हूँ।
गाइस मैंने इसे धोखा ही बोलते हैं ना, सो मैंने इसे फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हो। और मैं इसकी करी आलू के साथ बनाने वाली हूँ एंड आई एम गोना हैव इट। और मैं ना इसे विदाउट अनियन गार्लिक बनाऊंगी। सो गाइज मैंने आपको लंच बनाना दिखाया, फिर मेरी लंच तो बन गई है। और मैं खाना बनाने के बीच बीच में घर का काम फिनिश कर रही थी और किचन मैंने क्लीन कर लिया है, बर्तन वगैरह सब हो गया था एंड फिर मैंने शायर ले लिया था। सो मैंने आज का वीडियो रेंडर पे बिठाया, सो रेंडर हो गया है, अभी मुझे एडिट करना है। सो मैं पहले जाके लंच करती हूँ, फिर मैं आके इसे एडिट करने वाली हूँ। सो गाइज दिस इज़ माई लंच, चावल, चना दाल एंड धोखा डालना। सो गाइस ये जो टेडी आप देख रहे हो, जॉइंट टेडी, टेडी मेरे हस्बैंड ने मुझे लास्ट ईयर टेडी डे पे गिफ्ट किया था, तो मैं इसे प्लास्टिक में ऐसे रैप करके रखती हूँ ताकि ये गंदा ना हो जाए, क्योंकि मेरी एक बहुत ही बड़ा टेडी बियर है, यहाँ पे नहीं है, मैंने उससे अपने इन लॉज के घर पे छोड़ा है। सो वो टेडी बियर ना मतलब बाहर रहते रहते बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, इसलिए मैं इस टेडी बियर को ऐसे ही प्लास्टिक के अंदर रखती हूँ ताकि ये गंदा ना हो। तो और इस बार तो मुझे कोई टेडी नहीं मिला है, सो ये मुझे मिला है लास्ट ईयर। और लास्ट ईयर मुझे फुल वैलेंटाइन वीक में मुझे क्या क्या मिला था इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था लास्ट ईयर, सो वो वीडियो मैं ऊपर यहाँ पे कहीं लिंक कर दूंगी, सो आप जाके वो चेक कर सकते हैं। हाय गाइस, सो और अभी टाइम है रात के 10:30 बज गए हैं और मैंने कैमरा अभी खोला है। एक्चुअली आज जो है ना, मैं आफ्टर लंच मैं एडिटिंग कर रही थी, जैसा कि आपको पता है आफ्टर लंच मैं एडिट करती हूँ, उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी शूट नहीं करती हूँ क्योंकि मैं बिजी रहती हूँ एडिटिंग में। मेरी जल्दी आज हो गई थी एडिटिंग, मतलब 7 बजे के करीब मेरी एडिटिंग कम्प्लीट हो गई थी, तो 7:30 को मैंने थंबनेल वगैरह बना के मैंने अपलोडिंग पे डाला। और आज इंटरनेट मेरी इतना दिमाग खराब करके रखा है ना, 7:30 बजे मैंने बिठाया था वीडियो को और मुझे हार्डली 20-25 मिनट्स लगते हैं वीडियो अपलोडिंग करने में, मैं 4G से करती हूँ। मैंने 7:30 बजे मैंने अपलोडिंग पे लगाया था वो वीडियो, मैंने 10 बजे के बाद जाके पब्लिश हुआ, आप समझ सकते हो मेरा कितना दिमाग खराब हुआ था, इसलिए मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया। वीडियो पब्लिश होने के बाद फिर हमने डिनर किया और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि आज है टेडी बियर डे, मैंने सोचा था कि मेरे हस्बैंड कुछ नहीं लाएंगे इस बार, लेकिन इस बार वो लाए हैं। तो लास्ट ईयर मैंने दिखाया था कौन सा टेडी बियर वो लाए थे,
और इस बार उन्होंने मेरे लिए एक पैंडा लाया है, मीन्स पैंडा टेडी बियर। तो ये बहुत ही एक छोटा सा क्यूट सा है, मतलब पिछली बार से थोड़ा सा लंबा है, पिछली बार उन्होंने जैसा लाया था थोड़ा सा लंबा है। और उन्होंने ये प्लास्टिक कवर साथ में लाया है क्योंकि ये वाइट है, गंदा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे शादी से पहले भी टेडी बियर दिया था। तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि टेडी बियर को मुझे प्लास्टिक में रखना है क्योंकि वो फिर गंदा हो जाता है, साफ़ करने से भी नहीं होता पहले जैसा, इसलिए। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये सो दिस इज किशुंदर बाबाई, थैंक यू। सो कैन यू सी, ये गोलू मोलू सा ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है ना। और मेरे पास मतलब पैंडा बिल्कुल नहीं था, आई एम सो हैप्पी कि ये है। और हाँ, मैंने आज का वीडियो जब एडिट किया था तो मैंने देखा कि मैंने कल का मतलब कल का चॉकलेट डे वाला चॉकलेट मैंने आपको नहीं दिखाया था, सो मैं आज आपको दिखाती हूँ। एक सेकंड, सो दिस इज माय चॉकलेट, हमने कल नहीं खाया था सो आज हम खाएंगे, पता नहीं आज खाएंगे क्या नहीं, पेट तो भरा हुआ है। लेकिन ये जो चॉकलेट है, यही चॉकलेट मैं ओनली खाती हूँ। तो उन्होंने एक बड़ा सा लाया है मेरे लिए, सो ये चॉकलेट हम दोनों मिलके खाएंगे एंड इसने तो मेरा दिल ही जीत लिया। दिस इज सो सॉफ्ट। सो आई गॉट दिस ऑन दिस टेडी बियर डे। तो आप सब प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या मिला है इस टेडी बियर डे में, और अगर हो सके तो आप मेरे साथ उसकी फोटो जरूर शेयर करना। और आज के डिनर में मैंने सिर्फ रोटी बनाया है क्योंकि बहुत सारी सब्जी बच गई थी, सो इसलिए रोटी के साथ हमने ले लिया था डिनर। और गाइस, जैसा कि आप जानते हो कि मैं फरवरी में डेली ब्लॉग्स कर रही हूँ, इसलिए मैं कुछ और वीडियोस डाल ही नहीं पा रही हूँ। और मैंने अपनी चैनल को आज देखा है अच्छी तरह से, तो मैंने देखा है कहीं ना कहीं मैंने ब्यूटी वीडियोस को काफ़ी नेग्लेक्ट किया है। लास्ट 2-3 महीने से मैंने ब्यूटी वीडियोज़ को काफ़ी नेग्लेक्ट करके रखा है। ऑल दो आप अगर मेरे चैनल की बहुत पहले की वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ ब्यूटी वीडियोस आती थी और ज़्यादा से ज़्यादा DIY ब्यूटी वीडियोस आती थी, और अभी तो बिल्कुल मैंने छोड़ के रखा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मार्च में मैं ब्यूटी वीडियोस के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करूँ, क्योंकि मैं डेली ब्लॉग्स फरवरी में ख़त्म कर रही हूँ और मार्च में भी ब्लॉग्स आएंगे, लेकिन डेली ब्लॉग्स नहीं आएंगे, वीकली 2 ब्लॉग शायद मैं डालने वाली हूँ। और आफ्टर डेली ब्लॉग्स मेरी चैनल में सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड है मेकअप की, कि मेकअप वीडियो करो, मेकअप वीडियो करो। मैं मेकअप वीडियो करूँगी, शायद मैं मार्च के महीने से ही स्टार्ट करने वाली हूँ मेकअप वीडियोस। ब्लॉग्स तो जैसे पहले आता रहा है फरवरी से पहले, वैसे ही आता रहेगा। गाइज, आपका वैलेंटाइंस डे पे क्या प्लान है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। शादी से पहले हम लोग तो सेलिब्रेट करते ही नहीं थे क्योंकि हमारी थोड़ी सी डिस्टेंस रिलेशनशिप थी, तो ज़्यादा मिलते नहीं थे, तो वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करना हम नहीं करते थे। और शादी के बाद जो पहले वाला वैलेंटाइन था हमारा, तब हम हनीमून गए थे तो वहाँ पर हमने सेलिब्रेट किया, और लास्ट ईयर भी ऐसा तक कुछ नहीं किया था। तो देखते हैं इस साल हम क्या करते हैं, ऑल्दो अभी तक कोई भी प्लान नहीं है, जो भी होगा रैंडमली होगा, देखते हैं कैसे सेलिब्रेट करते हैं। और आज की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने देखा है कि मेरे जो व्यूज़ आते हैं वो मेरे सब्सक्राइबर से ज़्यादा नॉन सब्सक्राइबर से व्यू आते हैं, तो लोग मुझे देखते हैं पर मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे कुछ नहीं होता, जस्ट मुझे खुशी मिलती है, मेरी मेहनत काउंट होती है, बस और कुछ नहीं। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स में, जो कि है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।